नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे हैं। और दोस्तों, एक अच्छी खबर यहां पर आप सभी के लिए है कि रीट के पदों के अंदर बढ़ोतरी दोस्तों 100% होने वाली है। कितनी होने वाली है, क्या होने वाला, विज्ञप्ति कब तक आएगी, कट्ठों में कितना क्या कुछ हो सकता है, इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों बात करने वाले हैं। एक अच्छा अपडेट रहेगा आप सभी के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दें, सबसे पहले शेयर मार दें जिससे सभी तक ये पहुँच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द यहाँ से मिल पाए। बात करते हैं, आप सभी को पता है कि रीट एग्जाम में क्या कुछ हुआ, लेकिन अभी जो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि रीट 31,000 के ऊपर ये विज्ञप्ति, यानी ये 31,000 आपका फिक्स है। यहां पर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो मांग क्या है, 50,000 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, हमारी जो मांग है 50 है। बिल्कुल वाजिब है कि 3 साल बाद दोस्तों, 3 साल के बाद दोस्तों ये भर्ती हो रही है, तो यहाँ पर ये मांग वाजिब है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शुरू से ही लगातार मैं आपसे जुड़ा हुआ और मैंने बता दिया था कि आपकी मांग 50,000 पे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पदों के अंदर बढ़ोतरी भी होगी। 50,000 नहीं होके सरकार मिनिमम 10,000 के आसपास पदों की ज़रूर दोस्तों बढ़ोतरी करेगी। ये बात मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि चिंता मत करें, ये पदों के अंदर बढ़ोतरी है, ये 110% दोस्तों होने वाली है। 31,000 पर ना होके ये 40,000 से ज़्यादा पदों पे दोस्तों भर्ती होगी। 50,000 नहीं होके लेकिन 10,000 पद जरूर दोस्तों बढ़ाए जाएंगे, ये बात मैं पहले बोल चुका था। लेकिन दोस्तों अभी निदेशालय के पास 10,000 पदों की ओर दोस्तों एक फाइल गई तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए जा चुकी है, लेकिन पेंडिंग है, स्वीकृति दोस्तों अभी तक नहीं मिली है। यहाँ पर 2016 है, 2016-18 के जो आपके पद खाली पड़े हैं उनको भी ये बात कही जा रही है कि इसमें जोड़ने की बात है। 1,000 के आसपास दोस्तों ये भी पद है, 1,000 के आसपास इन दोनों के पद हैं, ये भी जोड़ने की पूरी संभावना है इस भर्ती के अंदर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने आपको कहा कि जो फाइल गई है वो 10,000 के आसपास एक फाइल निदेशालय के पास पहुंची है, प्लस में दोस्तों यहाँ पर 1,000 के करीब और बैकलॉग में यहाँ पर पद हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं करीबन दोस्तों यहाँ पर ये भर्ती 42,000 के आसपास होने की पूरी पूरी संभावना इस समय दोस्तों रहने वाली है। तो एक अच्छी खबर यहाँ पर, 50,000 न होके लेकिन पदों के अंदर बढ़ोतरी जरूर हो रही है। हमारी मांग तो 50,000 पे रहेगी कि भर्ती 50,000 पे होनी चाहिए, लेकिन तो अगर सरकार 10,000 के आसपास पदों की बढ़ोतरी करती है तो बहुत अच्छी बात है, मेरिट के अंदर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिलने वाला है। यानी आप चिंता मुक्त हो जाइए, 10,000 पद दोस्तों बढ़ने वाले हैं, जल्द आपको इसकी सूचना है वो मिल जाएगी। श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, इन पदों में दोस्तों बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार भी अब क्या, अब बात दो फैक्टर अड़ रहे हैं, अब बात सुनना मेरे ढंग से कि सरकार है, गवर्नमेंट है, जो सरकार क्या चाहती है, सरकार के पास दो चीज़ें, एक सरकार नई भर्ती करवाना चाहती है, सरकार क्या चाहेगी, नई भर्ती करवाना चाहेगी, वो भी कम से कम 20,000 के आसपास दोस्तों, 20,000 प्लस पदों पर ये भर्ती दोस्तों एक और रीट की करवाएगी चुनाव के दौरान। लेकिन अब ये जो पुरानी भर्ती है इसके अंदर भी मांग है, पुरानी भर्ती जो है, ये जो अपनी चल रही है 31,000, इसके अंदर भी बढ़ोतरी करनी है, इसमें बढ़ोतरी करनी है। तो यानी कहीं ना कहीं अब सरकार एक बैलेंस बनाना चाहेगी कि पदों के अंदर बढ़ोतरी भी हो और यहाँ पर एक नई भर्ती भी अनाउंस। मैंने ये भी बताया था कि एक नई भर्ती जरूर आएगी दोस्तों आपके सामने। कई ये कह रहे हैं कि विरोध के 50 अगर पद बढ़ा दिए हैं तो नई भर्ती नहीं आएगी, बिल्कुल श्योर के साथ मैं बोल रहा हूं कि नई भर्ती आपको 20,000 से प्लस पदों पर दोस्तों एक और रेट के देखने को मिलने वाली है, पदों के अंदर बढ़ोतरी। इसी वजह से सरकार है मिनिमम यहां पर 10,000 पद और बढ़ाने की पूरी ताक में है, और आपके सामने पद बढ़कर जरूर आएंगे। विज्ञप्ति भी जल्द दोस्तों जारी होगी, कब तक हो सकते हैं, विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं, इसी वजह से विज्ञप्ति है आपकी जारी नहीं हो रही जल्दी से, थर्ड ग्रेड की हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी। लेकिन ये पदों का ही मामला चल रहा है, सारा काम फिनिश है, पदों के अंदर जैसे ही स्वीकृति मिल जाती है, एक फाइल जो 10,000 की है वो निदेशालय के पास पहुंच चुकी है, पेंडिंग फाइल है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जल्द स्वीकृति उस पर मिलने वाली है, और ये पद आपके 31,000 से अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, 40,000 प्लस, मैंने 42,000 का बताया लेकिन 40,000 से ज़्यादा पद दोस्तों होने वाले हैं यहाँ पर। और जब 40,000, अब आप देख सकते हैं कि 31,000 पर मेरिट क्या थी, क्या बताई जा रही है, ठीक है, क्या बताई जा रही है, उसके बाद में अब ये अगर इस पे मेरिट, तो कहीं ना कहीं जितने पद बढ़ेंगे मेरिट में डिफरेंस दोस्तों देखने को मिलने वाला है। यानी हम कह सकते हैं अगर 42,000 के आसपास भी पदों में भर्ती होती है तो 120 के आसपास जनरल कैटेगरी का बच्चा भी सिलेक्ट होने की संभावना पूर्णतः बनी हुई है, बनी नहीं होगा भी, 120 वाले का भी सिलेक्शन अगर इतने पद बढ़ते हैं, और इससे कम नियर अबाउट इसके आसपास 118-119 वो भी बिल्कुल रेस में रहेगा दोस्तों। यानी पदों के अंदर बढ़ोतरी होगी तो मेरिट वाजिब सी बात
बात है कि नीचे आएगी। कब तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है, ये कब तक नोटिफिकेशन हो सकता है? मान के चलो कि ये खुशखबरी मैं मानता हूँ कि नए साल में भी हमको मिल जाए पदों के अंदर बढ़ोतरी, लेकिन जनवरी के मिड तक दोस्तों, या 10 तारीख के बाद कभी भी दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है पदों की बढ़ोतरी के साथ। तो देखना ये है, इस दिसंबर में तो शायद मुश्किल है होना, अपने 5-6 दिन बचे हैं इसमें मुश्किल है, लेकिन आपके सामने जनवरी के अंदर किसी भी तारीख को दोस्तों आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके लिए कट ऑफ निकाली जाएगी और आपका सिलेक्शन दोस्तों होगा 42-40 प्लस, यानी 42,000 के आसपास भर्तियों पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो मेरिट में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। घबराने की आवश्यकता कतई आपको नहीं है कि मेरा 31,000 पर है, अगर 42 हो जाए, आप ये सोच रहे हो कि 31,000 पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा है कि 10,000 और बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल आपका होगा, ये पद बढ़ने वाले हैं। हमारी मांग एक ही है, 50,000 मांग लगातार हमारी यही बनी हुई है, 50,000। तो कहीं ना कहीं सरकार, मैंने बताया 2-3 यूज़ कर रही है कि एक नई भर्ती भी दोस्तों सरकार निकालना चाहेगी एक अच्छे खासे पदों के ऊपर, और दूसरी पुरानी भर्ती के अंदर भी सुधार करना चाह रही है, नए पद बढ़ाने जाएंगे। यहाँ पर अपने उप CM साहब हैं, उन्होंने भी नोटिस यहाँ पर अशोक गहलोत जी को लिखा है, एक एप्लीकेशन जिसमें पदों की बढ़ोतरी की जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अंदर बात दोस्तों चल रही है, इसी वजह से ये विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है, वरना हो जाती तो यहाँ पर खुशी की बात है कि पद आपके बढ़ने वाले हैं और इसका नोटिफिकेशन आपको दोस्तों बहुत जल्द मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भली बात इस बात से वाकिफ भी होंगे, नहीं है तो बिल्कुल चिंता हटा दीजिए, पद बढ़ने वाले हैं और आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जल्द फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति भी आपके सामने होगी। इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया था कि भी RPSC ने कैलेंडर जारी किया, उसमें उसका कोई संज्ञान नहीं था, मैंने उसके ऊपर बात भी बोली थी कि वो कैलेंडर है, उनके पास पुरानी चीज़ें थी, उन्हीं के आधार पर जारी किया, लेकिन उसके बाद में उनका एक मैसेज भी आ गया था RPSC आयोग के द्वारा कि वो हमारे पास जितने आए हुए थे, आयोग के जितने पास चीज़ें थी उसी के बेस पर, लेकिन नई भर्तियों का भी अनाउंसमेंट हम करेंगे जैसे ही हमारे पास कुछ फाइलें पहुँच जाती हैं। तो यानी जल्द आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड देखने को मिलेगी। 27-28 आज 26 तारीख का कल और परसों के अंदर ग्राम सेवक का एग्जाम है, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तैयारी आप सभी ने की होगी। लगातार इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको जल्द उसके आंसर की भी मिलेगी, मैथ का सॉल्यूशन भी दोस्तों आपको करवाया जाएगा, और जो हमने आपकी हेल्प की उस हेल्प को आप देख सकते हैं एग्जाम में कितना आपको फायदा दोस्तों होने वाला है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के दोस्तों कीजिएगा, लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं, आपका सिलेक्शन हमारी सफलता, बस इसी मुहिम के साथ जुड़े रहना। जय हिंद, जय